सलामकुम जी, ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम, सॉरी यार थोड़ा सा लेट होने के लिए। अच्छा जी भाई, आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है जो कि हमारा पहला सबस्टैंडर्ड प्रोसीजर का सवाल है। हम ऐसे अनगिनत सवाल करेंगे ताकि आपका हार्ट सेट हो जाए, और मैं कनेक्टिविटी भी बना के रखूंगा। प्लीज इसको मुझे ड्राफ्ट करके दिखाओ जल्दी से। हाँ ये बात की ना आपने, इसमें बेहतरीन। मुझे करवा देना, मैं भी मतलब एक आध दिन में फ्री हो जाऊंगा ना, मुझे भेज देना, मैं उसके लिए रख लूंगा सेशन। सही है, पहले उसको सोल्यूशन से मैच करो, फिर इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन तो यू कैन कम टू मी। सही है, ठीक हाँ भाई। वो कह रहा है डिजाइन करें अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर इन द अबव सिनेरियो। सुबह सुबह आप लोगों को दिमाग चलाना पड़ेगा, ऐसा ही है ना, कि क्या लिखें, इस सिचुएशन में मैं होता या होती तो क्या करता। गलत मोइस, हाँ जी गलत। आमुश क्या कहते हो, मैं करवाऊँ? देखो ये वजह होती है कि अगर बीइंग अ टीचर मैं तुम्हें ये करा के निकल जाऊं ना, तुम कितने खुश थे कि भाई जिंदगी में बाहर थे तुम्हारे, कि भाई वाह भाई वाह, मुझे प्रोसीजर आ रहा है। फैजान गलत, यस यही तो एक गेम है जो आपने देखनी है। टारगेटेड लिखना, तो टारगेटेड
शुरू में पहली लाइन गलत लिखी है अली हसन, वी विल इवेल्यूएट द अजर्शंस रिलेटिंग टू डिस्पोजल, ये कैसी बात हुई भाई? मुझ गलत है, हम बात लिखते हैं ऑप्टेन अ लिस्ट ऑफ एडिशंस फ्रॉम एफएआर एंड सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ एडिशन, वेरी गुड वेरी गुड, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। फिजिकली इंस्पेक्ट सेलेक्टेड सैंपल्स, वेरी गुड, वाउच एडिशन टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक इनवॉइसेस, चेक वेदर ऑल द लैपटॉप्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन एफएआर, चेक वेदर दे मीट कैपिटलाइजेशन कंडीशन, वेरी वेल डन यार। अच्छा अब देखो बिस्पा, आपने भी गलत लिखा, क्यों मैं कह रहा हूँ टारगेटेड, क्योंकि यही वजह है मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस कराता हूँ खुद बैठ के, मेरी बात समझो। इसमें क्या उसने ये कहा है कि भाई आप मुझे पूरे पीपीई के ऊपर प्रोसीजर करके दें? हाँ जी जल्दी बताओ, क्या उसने इसमें ये कहा है कि मुझे पूरे पीपीई के ऊपर उस पर प्रोसीजर करके दें? नहीं कहा उसने, वो आपको सिंपल कह रहा है कि अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर बताएं अबव सिनेरियो में कि आप क्या करेंगे, उसमें है क्या। वो बोल रहा है कि भाई आप ऑडिट इंचार्ज हैं, ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम जो है कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी और अकाउंटिंग सर्विसेज टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 HSL अनाउंस्ड दैट ऑल एम्प्लॉइज मस्ट डू देयर वर्क फ्रॉम होम। सही जी, तो उसने कहा कि भाई इसलिए HL ने अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर रिप्लेस किए विद ब्रांड न्यू लैपटॉप, तो सर दो चीजें हो गई, एक इसमें एलिमेंट हो गया एडिशन का और दूसरा हो गया डिस्पोजल का, ऐसा ही है। अब अली हसन जैसे तुमने लिखा है ना, वी विल इंश्योर, आप गलत लिख रहे हैं, इंश्योर नहीं लिखते, इंश्योर कैसे करना है वो बताना है। ऐसे तो मैं कह दूं कि मैं इंश्योर करूंगा कि पीपी सही रिकॉर्ड हुआ हुआ नहीं हुआ हुआ, तो तुम सब कवर हो गया। अभी तक हमाद ने सही लिखा है, इश्ना सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ एडिशन एंड डिस्पोजल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, वेरी गुड, वाउच द ट्रांजैक्शन टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी, नहीं गलत, यहाँ ये दूसरी लाइन गलत लिख दी, लॉजिकली लिखो इंश्योर द डिस्पोज एसेट्स हैव बीन रिमूव्ड, ये सही लिखा हुआ, इंश्योर द डिस्क्लोजर हैव बीन प्रॉपरली प्रोवाइडेड, रीकैलकुलेट गेन लॉस, कुछ हद तक सही है। नहीं अली हसन देखो सर, प्रोसीजर नहीं थे ना सही, वही तो बता रहा हूँ ना तुम्हें, इंश्योर क्या होता है मतलब कैसे इंश्योर करोगे ये देखोगे ना। चलें आप लोग मुझे बताएं, अगर मुझे एडिशन पे काम करना है तो क्या मैं सारी एडिशन देखूं? हाँ जी सारी एडिशन देखूं, सारी एडिशन, आर यू श्योर अबाउट इट? चलें हमने कहा सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ एडिशंस, सही जी, हम क्या करेंगे पूरे तो नहीं करेंगे, सैंपल पे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ एडिशंस एंड वाउच देम टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ऐसा ही है, वेरी गुड। अच्छा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपकी क्या आ सकती है, इनवॉइस आ सकती है? हाँ जी इनवॉइस आ सकती है, GRN आ सकता है, वेरी गुड। अच्छा ये तो आपने सैंपल ऑफ एडिशन सेलेक्ट कर लिया, ऐसा ही है। अच्छा अब आप बोलेंगे इसके बाद कि चेक फिजिकल एग्जिस्टेंस बाय सेंडिंग कंफर्मेशन टू एम्प्लॉइज। अच्छा बच्चों ने लिखा है कि सर मैं शीट से फ्लोर करूंगा, फ्लोर पे क्या करोगे, फ्लोर पे तो है ही नहीं लैपटॉप,
कोविड-19 है, कोई आई नहीं रहा ऑफिस। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? हाँ जी, बात समझ आ रही है? तो आप इस केस में एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं? कंफर्मेशन भेज सकते हैं एम्प्लॉयज को कि भाई तुम बताओ तुम्हारे पास ये वाला लैपटॉप है या नहीं है, या हम उसको ब्लैंक कंफर्मेशन भेजेंगे। हम उसको बोलेंगे भाई तुम लिख के दो तुम्हारे पास कौन से मॉडल का, कौन से टैग का लैपटॉप पड़ा हुआ है, क्या उससे एग्जिस्टेंस वेरीफाई हो जाएगी? फिर हम बोलेंगे चेक वेदर एडिशंस हैव बीन अप्रोप्रिएटली पार्क्ड इन एफएआर। रिकैलकुलेट डेप्रिसिएशन आफ्टर असेसिंग रीजनेबलनेस ऑफ लाइफ ऑफ लैपटॉप्स। क्योंकि जब वो आया तो जैसे ही बता, ये भी तो मेक श्योर करेंगे ना कि वो ऑल टुगेदर डेप्रिशिएट भी हुआ। मैंने अच्छा, हमाद महमूद कह रहे हैं कि सर एम्प्लॉय तो पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैसे हुई? मैंने ऊपर कहाँ लिखा है, सवाल है। हाँ भाई, क्या मैंने ऊपर एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिखा है मेरे प्यारे से बच्चों? जल्दी बताओ, शब्दों का उपयोग देखो भाई का। हाँ जी, शब्दों का उपयोग देखो, मैंने एक्सटर्नल तो नहीं लिखा। सही है, ओके। नहीं, गलत गलत गलत, फरिया के वेदर। अच्छा देखो, फरिया कह रही है कि सर क्या ये पॉइंट बनेगा कि वेदर एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू और कॉस्ट? नहीं देखो, फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज तो इनिशियली तो वो कॉस्ट पे कैपिटलाइज होगा ना, इस बात को मानते हो? इनिशियली तो वो कॉस्ट पे कैपिटलाइज होगा ना, और पहले दिन पे कॉस्ट और फेयर वैल्यू सेम होती है। ऐसा है पप्लू? पहले इतना बताओ, ऐसा है? पहले दिन पे कॉस्ट और फेयर वैल्यू सेम होती है। अब देखो एक और सवाल आया मार्केट में, हसान राजपूत कह रहे हैं कि सर क्या इसमें मतलब एक दो अजर्शन के लिए, इसमें एक अजर्शन के लिए एक दो प्रोसीजर काफी है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, क्या यहाँ पे मैंने अजर्शन वेरीफाई की है? अजर्शन तो वेरीफाई की है, बट उस सिनेरियो को दिमाग में रखते हुए जो के हालात वाकयात सवाल में दिख रहे हैं। क्या इससे वैल्यूएशन वेरीफाई होती है? क्या इससे वैल्यूएशन वेरीफाई होती है? Yes. क्या इससे एग्जिस्टेंस वेरीफाई होती है? क्या इससे राइट वेरीफाई होता है? बिल्कुल होता है। इससे भी कंप्लीटनेस वेरीफाई हो रही है कि वो अप्रोप्रिएटली एफएआर में रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ। इससे भी वैल्यूएशन वेरीफाई हो रही है ना assertions? पर कहने का मतलब यह है कि यहां पे मैंने ये तो नहीं कहा कि आप मुझे पूरा पीपीई वेरीफाई करके दे। मैं बोल रहा हूँ एडिशंस पे क्या काम करोगे, तो मैंने आपको एडिशन वाइज भी करवाया है, अजर्शन वाइज भी करवाया है। नहीं लिखना होगा एलियसन। हाँ बिल्कुल सही है इमरान, अभी आते हैं ना उधर डिस्पोजल पे आते हैं ना। अभी पहले बताओ मेरे बच्चों, बात क्लियर है? सवाल की थीम को पिक करना है। चलें गुड, अब आगे आ जाएं। हाँ भाई, डिस्पोजल्स के लिए क्या करें आप, प्लीज बताते हैं मुझे। सेलेक्ट अ
सैंपल ऑफ डिस्पोजल्स एंड वाउच देम टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। यहां पे आप लिख सकते हैं कि भाई सच एज सेल ट्रांसफर डीड एक्सेट्रा। वेरी गुड। अच्छा भाई जब मैंने सैंपल और डिस्पोजल सेलेक्ट किया, क्या मैं अब रिकैलकुलेट करूंगा कैरिंग अमाउंट, या आप ये कह सकते हैं रिकैलकुलेट गेन लॉस ऑन डिस्पोजल, ऐसा ही है। आप बोलेंगे चेक वेदर द एसेट्स, और एसेट की जगह आप एग्जैक्टली लिखें जो सवाल में दिया हुआ है, डेस्कटॉप हैव बीन रिमूव फ्रॉम FAR, ऐसे ही भाई। इसके बाद आप बोलेंगे ट्रेस करेंगे आप रिसीट्स ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम, कहां से ट्रेस करें भैया, कहां से ट्रेस करें? हाँ जी मेरे बच्चों, कहां से ट्रेस करेंगे रिसीट्स ऑफ डिस्पोजल? बैंक स्टेटमेंट से। वेरी गुड। ऐसा है भाई। हाँ बिल्कुल सही लिखा है इमरान, बिल्कुल सही लिखा है। पहले बताओ थीम समझ आई? ये पहला सवाल करवाया मैंने तुम्हें रिस्पॉन्सेस का प्रोसीजर का, थीम समझ आती है? चलें ओके गुड। अगला सवाल, हाँ जी जल्दी से। सही लिखना है बाबू ये। गलत MBM।
वेरी रॉन्ग। गलत फैजान, रॉन्ग। फरिया गलत। इनकम्प्लीट, जहीर इनकम्प्लीट। हाँ जी हमाद, लिख के बता जल्दी। वेरी गुड विस्मा, वेरी वेल डन विस्मा, परफेक्टली ड्राफ्टेड, 100% परफेक्ट। वेरी गुड हम्माद, बेहतरीन, ये है ड्राफ्टिंग, मजे की, बेहतरीन हो गया भाई। You have to believe. अच्छा अब थीम देखें, आपको मैं सिचुएशन में ढालूं, प्लीज सुनिएगा। मैं आपको बोलूं भाई बैंक रिकॉन पे काम करना है, तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि पूरे कैशन बैंक पे काम करना है या बैंक रिकॉन पे काम करना है, लिख के बताओ। आमुश वेरी गुड, हाँ जी जल्दी बताओ। बैंक रिकॉन पे, यानी आप अपने आप को सिचुएशन में डालें, और लेट से मैंने अपने दो तीन स्टाफ को काम दिया था, वो छुट्टी पे चले गए, उन्होंने कंफर्मेशन भेज दी, सब भेज दिया, अब उसने एक काम नहीं किया कि उसने कंफर्मेशन के बैलेंस को या लेजर के बैलेंस को हमारे बैंक के बैलेंस से कंपेयर नहीं किया, तो बैंक रिकनसाइलिंग आइटम पे काम होना बाकी है ना, बाकी काम तो हो चुका है। कहने का मतलब यह है कि पिछला काम हो चुका है ना, अब मैं किसी को कह रहा हूँ यार बैंक अकाउंट पे काम कर ले, तो वो मुझे क्या कहेगा, वापस से शुरू से सारे काम परफॉर्म करेगा? जल्दी बताओ, क्या शुरू से सारे काम परफॉर्म करेगा? नहीं भाई, वो बैंक अकाउंट पे काम करेगा कि इसको कैसे वेरीफाई करना है। ऐसा है, ऐसा है बाबू। आपको पता है ये वाला सवाल मैंने जिस अटेम्प्ट में करवाया था ना, उसी अटेम्प्ट में, मतलब प्रैक्टिस सेशन में करवाया था, और अगली बार ये पेपर में आया था, तो आप लोगों ने मुझे मजबूर करना है नए नए सवाल कराने के लिए, न्यू सवालात कराने के लिए, कि भाई न्यू सवालात कराएं ताकि वही आएंगे पेपर में। तो देखो ये यूनिक था, बच्चों को सीधे सीधे नंबर मिल गए थे इसके। चलें, पर ये तो खैर मैंने ICW से उठाया था, यहाँ पे कैरल लिखा हुआ, वहां पे उन्होंने मुश्ताक कर दिया था इसको। अच्छा भाई एहसान कह रहे हैं अनप्रेजेंटेड चेक कुड बी वेरीफाइड बाय चेकिंग द सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट, चेक वेदर अनक्लियर चेक्स वर सब्सिक्वेंटली क्लियर बाय चेकिंग द सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट्स। अच्छा इसको तुम कंसाइज कर सकते हो हसान। आमुश कह रहे हैं चेक बैलेंस एज पर बैंक विद द बैंक कन्फर्मेशन लेटर, तुम्हारा देख लेते ना, बिल्कुल सही लिखा जानी। इश्ना कंपेयर लेजर बैलेंस विद द बैंक स्टेटमेंट सैंपल ऑफ reconciling items and check whether the reconciliation have been properly matched with the ledger. नहीं ये गलत लिख दिया इसने, reconciliation ledger से क्यों match होगी? आप बोलेंगे कि mathematical accuracy check करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई these are in line और obtain subsequent bank statement तो आपने ले ली, वो बिल्कुल सही किया, पर आपने reconciling items का sample select करना होता है ना। लिख सकते हैं लॉन्ग अनक्लियर वाली बात, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दो राय नहीं है उसके अंदर। अच्छा भाई खैर, अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला प्रोसीजर क्या होगा मेरा, क्या मैं ये देख लूं कि ये बैलेंस, ये वाला जो बैलेंस है 60,000 रुपए का, ये कहां से आना चाहिए, लिख के बताओ, ये कहां से आना चाहिए? जो आपके सामने आज मैं आपको की एक टिप्पणी देता हूं, ताकि आपको जिंदगी भर काम आए और जिंदगी भर आप डायरेक्शनल काम करें, मेरी बात समझिएगा। आपके सामने जो भी फिगर्स आ रही होती है ना, उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना होता है। मैंने क्या बोला लिख के बताओ, क्या बोला लिख के बताओ, जो भी फिगर आ रही होती है उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना होता है। तो ऑथेंटिसिटी के लिए मैं ये सारी चीजें वेरीफाई कर लूं ना, बिल्कुल कर लूंगा। क्या मैं बोलूंगा, सबसे पहले ट्रेस
बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट, ऐसा ही है। मैं कह रहा हूं कि भाई बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ रहा है, कहां से देख लूं भाई? बैंक स्टेटमेंट से देख लूंगा। मैंने कहा ट्रेस बैलेंस एज पर लेजर फ्रॉम बैंक लेजर, ये हो गया। हाँ भाई, क्या ये दो काम काफी हैं? या हम ये देखें कि प्लस माइनस होके ये इक्वल होता है नहीं होता, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करूं। चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बैंक रिकॉन, ऐसा ही है। क्योंकि जैसी बात है, अगर मैथमेटिकल एक्यूरेसी ही सही नहीं है तो भाई उसने रिकॉन गलत बनाई है ना, उसमें सारे आइटम्स नहीं है या ज्यादा है या अमाउंट गलत है, वो यहां से पता लग जाएगा जब आप प्लस माइनस करोगे। फॉर अ सैंपल ऑफ रिकनसाइलिंग आइटम्स, check subsequent clearance whether uncleared checks have been cleared and unpresented checks have been presented। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आई? ऐसे आपने इसका ऑडिट कर लिया, सीधा सीधा हिसाब किताब है, क्लैरिटी है, क्लैरिटी है। अच्छा आप देखो, अब आगे जाके ना मेरा थोड़ा सा दिमाग घूमेगा, और दिमाग घूमते वक्त मैं पता है क्या करूंगा आप लोगों के साथ, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन के अंदर होगा एक सिनेरियो, ऐसा ही है। उस क्वेश्चन के अंदर होगा एक सिनेरियो, मैं बोलूंगा इस सिनेरियो से मुझे क्या निकाल के दो। रिस्क पहला, आप वापस उस दुनिया में आ गए, और फिर मैं बोलूंगा जो भी आपको रिस्क मिले उस पे आप काम क्या करेंगे, ये मेक श्योर करने के लिए कि वाकई में उस रिस्क की वजह से गलती है या नहीं है। तो पहले बताओ मेरे दिमाग की डायरेक्शन समझ आई तुम्हें, जिस तरीके से ऑडिट होता है? हाँ जी, तो अब आपने अवेयर रहना है, मोहतात रहना है, सही है। तो जैसे जैसे हम ये कवर करते जाएंगे वैसे वैसे मैं मेक श्योर करूंगा उसी स्पेसिफिक रिस्क वाले सवाल और उसी स्पेसिफिक प्रोसीजर वाले सवाल आते रहे। यस, बिल्कुल ऐसा ही है, डन हो गया। तो आज भी मैं आपको एक होमवर्क दे दूंगा, वो भी करना, हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे, सही है, सही हो गया जी। चलें, गुड, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।